फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कल हम रिजल्ट डिस्कस नहीं कर पाए, कुछ रीज़न थे। लेकिन आज हम अच्छे से इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर क्या बड़ी बातें निकल कर आई उसको भी जानेंगे। बहुत सारी इस रिजल्ट के अंदर छुपी हुई संभावनाएं उनको भी जानेंगे और रिजल्ट के बाद आगे क्या पोजिशन बन रही है, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट नया करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्या संभावना बन रही है, क्या ट्राइडेंट लिमिटेड यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्या है सपने राजेंद्र गुप्ता के। इस रिजल्ट के माध्यम से वो हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो इस रिजल्ट के भी अंदर बहुत सारी छुपी हुई बातें उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंकड़े तो आपके सामने आ चुके हैं लगभग, लेकिन इसके अंदर और क्या खास बातें रिजल्ट के वो जानेंगे। साथ में भावी रणनीति देखेंगे कंपनी की, जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है, क्या ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी और ये जो स्टॉक की प्राइस है कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये आने वाले समय में एक बड़ा नेशनल ब्रांड बनने जा रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा सपना सच हो सकता है? तो उन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने कहा था कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जून क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इस रिजल्ट से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, लेकिन आगे अब क्या पोजीशन बनेगी, क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते। स्टॉक आज ओपन हुआ 40.55 पर, यही दिन भर की हाई है। लो है 39.75 का और अभी 40.55 पर करीब 5% का अपर सर्किट लग गया है, और सर्किट तो लाजमी था, रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो अभी बाजार शुरू ही है, अभी सुबह करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है, तो करीब BSE में 10,51,000 का वॉल्यूम है और सामने 7,83,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 74.55%। बात कर लेते हैं NSE की, 82,11,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 74,77,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 91.06%। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ कम समय के अंदर, यानी बहुत ही कम समय के लिए ट्रेडिंग खुली, उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ। और इस दरमियान काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है, 2-3 आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो ये आप समझ लो, ट्राइडेंट लिमिटेड अब एक स्मॉल कैप कंपनी नहीं रही है, बल्कि एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है जिसका मार्केट कैप है 20,664 करोड़ का। तो ये आप बात समझ लो, ये एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। जो आंकड़े हैं उसमें सबसे जो बड़ी हाईलाइट है वो निकल के ये आई है कि जून क्वार्टर से भी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है, यानी अगर हम इनके टोटल इनकम की बात करें तो करीब 1,701.70 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 14.57% की बढ़त देखने को मिल रही है हमें इनकम के अंदर पिछले क्वार्टर से, यानी जून क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,485.25 करोड़ रुपीज़ की थी, और साथ में 44.52% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम हुई थी पिछले सितंबर में 1,177.46 करोड़ की, तो जबरदस्त जंप देखने को मिला है इनके इनकम के अंदर। और साथ में इनकी जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे भी हमें जबरदस्त जंप देखने को मिला है, शानदार 234.59 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। तो ये जून क्वार्टर से भी अच्छे आंकड़े निकल कर आए, जैसी हमने संभावना व्यक्त की थी इस बार सितंबर में जून से अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो बिल्कुल वैसी ही बातें निकल कर आई है। नेट सेल्स में इनकी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब 1,691.59 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल नेट सेल्स हुआ सेप्टेम्बर में, जहाँ पे हमें 44.09% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका सेल 1,173.98 करोड़ रुपीज़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल इनका नेट प्रॉफिट मात्र 105.69 करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे ये समझ लो एक तरह से डबल से भी ज़्यादा इस बार प्रॉफिट देखने को मिला है एक साल के अंदर। तो कोविड के बावजूद भी कंपनी ने रिजल्ट जिस तरह से शानदार पेश किया उससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार लगातार बहुत अच्छा हो रहा है। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो करीब 420.65 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है सेप्टेम्बर 2021 में, जहाँ पे 79.94% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सितंबर में इनका एबिटा मार्जिन 233.77 करोड़ रुपीज़ का था, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे हमें आंकड़े निकल के आए। अगर इसके EPS की बात करें तो वो भी शानदार तरीके से बढ़ चुका है, यानी 0.47 हो गया है, जबकि पिछले साल सितंबर में ये 0.21 था, तो यहाँ पर भी डबल देखने को मिल रहा है, शानदार।
तो लगातार इनकी प्रदर्शन की बात करें और जो इसने रिटर्न दिया वो भी बहुत शानदार है, यानी करीब ये आप देख लो कि पिछले 6 महीने में इसने करीब 197% का जबरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को, और पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो करीब 405% का शानदार रिटर्न दिया है, तो लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, यानी करीब 0.36% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, और इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है, उसके हिसाब से आपको करीब 36% का शानदार डिविडेंड मिल रहा है। तो आप ये समझ लो कि आपके जो भी 100 शेयर है उसके ऊपर आपको 36 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है और जिस तरह से वादा किया था वो पूरा कर रही है। अगर हम इसके पेपर सेक्टर और साथ में इसके होम टेक्सटाइल बिजनेस के रिवेन्यू को देखें अगर, तो वहाँ पे भी आंकड़े बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें होम टेक्सटाइल के रिवेन्यू की, तो Q2 में इनका टोटल 14,067 निकल कर आया है, जबकि Q1 में इनका रिवेन्यू 12,821 का था, जहाँ पे हमें Q1 बेसिस पे 10% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स अगर हम पेपर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर रिवेन्यू इनका 2,560 निकल कर आया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1,950 था, तो 31% की क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 42% की यहाँ पे पेपर सेक्टर में भी बढ़त है और 42% की यहाँ पे रिवेन्यू में होम टेक्सटाइल में भी बढ़त है, तो आंकड़े बहुत ही शानदार है और इन आंकड़ों के दम पे कह सकते हैं कि कंपनी आगे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और सबसे जो बड़ी बात है फ्रेंड्स, इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने अपना विजन पेश कर दिया है, कंपनी अब 3 बड़े पिलर के ऊपर खड़ी है, यानी एक तरफ है इनका मेन ट्राइडेंट का बिजनेस, दूसरी तरफ है इनका सोलर एनर्जी का बिजनेस, जहाँ पे अब ग्रीन एनर्जी में धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था कि बुधनी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने सोलर एनर्जी में अपनी कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी, अब सोलर प्लांट से उनका कारोबार आगे बढ़ेगा, और अब ई कॉमर्स का भी बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च कर दी है, तो अब इनका ऑनलाइन बिजनेस भी चलेगा, ऑफलाइन बिजनेस भी चलेगा और साथ में ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी चलेगा। तो इस तरह से कंपनी अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को फैलाने की शुरुआत कर चुकी है, आने वाले समय में नतीजा हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करीब इन्होंने करीब 330 करोड़ रुपीज़ अपना नया निवेश किया है, जिसमें उन्होंने 61,440 स्पैंडल्स और साथ में 480 रोटर्स लगाए, जिससे इनका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। साथ में कंपनी ने रिजल्ट के अंदर अनाउंस किया है कि उन्होंने ट्राइडेंट माई चॉइस नाम से एक नोटबुक भी लॉन्च किया नई, और कंपनी करीब अपना फ्यूचर के लिए अपना कैपेक्स प्लान्स उन्होंने शेयर किया है, जहाँ पे 1,377 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके अपने विजन 2025 को वो साकार करेंगे। तो कंपनी लगातार अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। कृषि की तरफ से इनको रेटिंग दी गई है, वो भी इन्होंने कहा है कि हमें AA स्टेबल की रेटिंग दी गई है, इससे एक बात समझ में आ रही है कंपनी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। और जिस तरह से मैंने कहा था कि ट्राइडेंट पे आपको भरोसा करना चाहिए, मैंने उस समय निवेश के लिए आपको कहा था जब इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, ये छोटा सा पेनी स्टॉक था, आज एक ये 20,000 करोड़ रुपीज़ की एक मिड कैप बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसके सपने अभी भी बाकी है। फ्रेंड्स आज जो बड़ी डील हुई उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते, जिसके आपको भी एक बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे खरीदारी कौन कर रहा है। तो फ्रेंड्स 11:31 के आसपास 40.55 की प्राइस से करीब 33,76,000 की एक बड़ी डील हुई है, और इस मात्रा में ये क्वांटिटी के बड़ी क्वांटिटी के माध्यम से माल खरीदा गया है। उसके बाद में फिर 11:43 पर 40.55 की प्राइस से करीब 13,88,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है, और फिर 11:51 पर 40.55 की प्राइस से ही 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है। तो इस तरह से बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं और अब सबको पता चल गया कि ये कंपनी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसलिए यहाँ पे लगातार अच्छा निवेश बन रहा है। 7.10 इसका 52 वीक का लो है और 43.35 इसका 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 40 के पास ट्रेड कर रहा है। एक बात मैं आपको फिर से क्लियरली कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट के दम पे यहाँ पे तेज़ी बननी जारी हुई थी, अभी भी रिजल्ट अच्छा है तो आने वाले 1 से 2 दिन में और हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अच्छे खासे अगर प्रॉफिट में हो आप तो आपको भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नज़रिया, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो आपको डरने की कोई बात नहीं, इसके टारगेट बहुत ऊँचे, आने वाले समय में यह 3 डिजिट में जाने वाला है 1 से 2 साल के अंदर, और 500 का 5 ईयर का हमारा टारगेट 500 रुपीज़ का जो बिल्कुल आएगा। तो आप अपना नज़रिया सेट कर ले, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है या फिर मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर प्रॉफिट बुक कर ले, स्टॉक फिर से नीचे आने की संभावना बनेगी, और आपको एंट्री फिर से करनी हो तो 35 से 36 के आसपास कर सकते हैं, फिर स्टॉक बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। एक बार ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इसके पिवट लेवल से आपको भी अंदाजा आएगा कि ये स्टॉक गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में कहाँ जाएगा।
तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 37.35 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 36.05 का, थर्ड सपोर्ट इसका 33.80 का है। तो ये बात आप ध्यान रख ले, 33.80 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इससे अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो बड़ी गिरावट की संभावना बन जाएगी, और ये तभी संभव है जब बाज़ार में बड़ा करेक्शन आएगा, वरना इतना नीचे स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि कंपनी का कारोबार और प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 40.90 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 43.15 का है, थर्ड टारगेट 44.45 का है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 45 से 46 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि टारगेट इसका 44 का है, तो वहाँ से फिर इसमें करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। ये आप ध्यान रखें, 44-45 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, हो सके तो इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के तो करना ही करना है क्योंकि उसके बाद करेक्शन आ सकता है और फिर स्टॉक आपको फिर से 36 के आसपास मिल सकता है। तो ये सोच के आपको इसमें निवेश करना है, परंतु कंपनी बहुत ही शानदार है, कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है और जिस तरह से इसका रिजल्ट है बहुत ही दमदार है। कोविड के बावजूद भी इस सेक्टर में और इस कंपनी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसका एक्सपोर्ट का मुख्य बिजनेस है, उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी के सारी जो है गतिविधियाँ बंद थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। और इसके दम पे कह सकते हैं ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीकर स्टॉक है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।